हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर। सो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉमिस, आज हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है जिसमें हम टॉप 40 क्वेश्चन सोशल साइंस के डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दिए हुए ऑप्शन में कौन था जो जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेदार था, जिन्होंने जर्मनी को जोड़ा था। हमारे पास ऑप्शन है बिस्मार्क, गारिबाल्डी, कैवर, मैजिनी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के बहुत सारे स्टेट जो बिखरे हुए थे, जिनमें बिल्कुल भी एकता नहीं थी, उन्होंने अपने सूझबूझ और अपने तरीक़ों से जर्मनी का एकीकरण किया था। इसी प्रकार से हमारे इंडिया में यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, प्लस बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 हमसे पूछ रहा है, प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू इंडिया विथ। प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे पहले इंडिया में किसके थ्रू आया था। ऑप्शन है हमारा द इंग्लिश, द फ्रेंच, द डच, पोर्तुगीज मिशनरीज। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे पहले हमारे इंडिया में पोर्तुगीज मिशनरीज के द्वारा आया था, मतलब पुर्तगालियों ने इसको लेके आया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे पूछ रहा है, चंपारण सत्याग्रह 1916 वॉज लॉन्च्ड बाई गांधी जी अगेंस्ट। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1916 का, जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, वो किसके अगेंस्ट, किसके विरोध में था। तो हमारे पास ऑप्शन है हाई रेवेन्यू डिमांड्स, इंडिगो प्लांटर्स, मिल ओनर, सॉल्ट टैक्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इंडिगो प्लांटर्स, जो नील की खेती ज़बरदस्ती करवा रहे थे ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन के फार्मर्स से, उनके अगेंस्ट किया गया था, क्योंकि वो जो है ज़बरदस्ती पूरे लैंड में इंडिगो नील की खेती करवाते थे और उसको 20% 30% मतलब बहुत ही कम रेट पे ख़रीदते थे, जिससे फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा लॉस होता था। साथ ही साथ इंडिगो जो होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उसको उर्वरता की ज़रूरत होती है, तो एक बार के प्लांटेशन में वो मिट्टी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, उसकी उर्वरक क्षमता ख़त्म कर देता है। इससे फार्मर्स को उनके जीविका में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन 18th century। दिए हुए ऑप्शन में ऐसा कौन सा प्लेस है जो 18वीं शताब्दी में वर्ल्ड ट्रेड मतलब विश्व व्यापार का मुख्य बिंदु था। हमारे पास ऑप्शन है यूरोप, इंडिया, चाइना, अमेरिका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूरोप जो है वर्ल्ड ट्रेड का, विश्व व्यापार का सबसे मुख्य बिंदु था 18th century में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 से पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस अंडर कॉलोनियल रूल। दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा पोर्ट है, बंदरगाह है, जो उपनिवेश शासन में अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो वैल्यू है वो खो दिया। ऑप्शन है हमारे पास कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत, मद्रास। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सूरत। सूरत की जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, बिकॉज हम देख रहे हैं कलकत्ता वो मेन सेंटर उनका हो गया, प्लस सबऑर्डिनरी में उन्होंने बॉम्बे और मद्रास को रखा था, सूरत को बिल्कुल वैल्यू नहीं, बहुत ही कम वैल्यू हो गई थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट टू हेल्प कीप चिल्ड्रन आउट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क वॉज पास्ड इन। जो पहला जो फैक्ट्री का एक्ट था जो बच्चों के इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री के काम से दूर रखने के लिए किया गया था, वो कब पास हुआ था, कब लागू हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास 1817, 1902, 1906, 1912। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1870। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 हमसे पूछ रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज द साइमन कमीशन बॉयकॉटेड।
दिए हुए रीजन में कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण साइमन कमीशन को बायकॉट कर दिया गया था, हटा दिया गया था? हमारे पास ऑप्शन है, इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग, ये जो मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था। बी है, इट डिडंट रिकॉग्नाइज कांग्रेस एज अ पार्टी, इसने जो है कांग्रेस को पार्टी के रूप में नामित नहीं किया। देर वॉज नो इंडियन इन द कमीशन, इसमें कोई भी इंडियंस नहीं थे। देर वर डिफरेंसेस एमोंग द मेंबर्स, इसमें बहुत ज़्यादा मेंबर के बीच में डिफरेंसेस थे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, देर वॉज नो इंडियंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। साइमन कमीशन इसलिए आया था कि वो रिपोर्ट तैयार करेगा, रूल एंड रेगुलेशन तैयार करेगा इंडिया के लिए, जो इसके लिए अच्छा होगा। जब उसमें कोई इंडियन होंगे ही नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कैसे रूल होने चाहिए। इसलिए इंडियंस ने पूरी तरीके से साइमन कमीशन को बायकॉट कर दिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 हमसे पूछ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद रोट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम, मुंशी प्रेमचंद ने किस थीम पे लिखा था। हमारे पास ऑप्शन है, ए रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल, धार्मिक और काल्पनिक को ऑपरेशन इन सोसाइटी, मतलब कि जो समाज में दमन हो रहा था, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, डिटेक्टिव एंड मिस्ट्री यानी कि जासूस एंड रहस्यमय। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑपरेशन इन सोसाइटी। जो सोसाइटी में, समाज में दमन हो रहा था, बुराइयाँ थी और शोषण हो रहा था, उन सभी चीज़ को मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 69 में। अकबर्स कोर्ट पोएट वॉज, अकबर का जो दरबार का कवि था वो कौन था। ऑप्शन है हमारे पास, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खान खाना, अमीर खुसरो, तुकाराम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अब्दुल रहीम खान खाना। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 70 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, दिए हुए कारण में कौन सा कारण है जिसके कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। हमारे पास ऑप्शन है, हाई प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अति प्रेशर दबाव के कारण, दूसरा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 3 राउंड टेबल हुए थे, तीसरा है गांधी जी के अरेस्ट हो जाने के कारण, चौथा है चौरी चौरा का जो घटना हुआ था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण ही गांधी जी ने बोला कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 हमसे पूछ रहा है, विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, कौन सा सिख गुरु था जो औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया था। हमारे पास ऑप्शन है, तेग बहादुर, अर्जुन देव, हरगोबिंद, गोविंद सिंह। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने मार दिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया, दिए ऑप्शन में सबसे पहला कॉटन का जो मिल था वो इंडिया में कहाँ पे स्थापित किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास, अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, मद्रास। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मुंबई। मुंबई में सबसे पहला कपास के जो मिल स्थापित की गई थी। अब हम चलते क्वेश्चन 73 में। विच मुगल किंग डाइड बाई अ सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस, कौन सा मुगल राजा था जो अचानक सीढ़ियों से गिरने के कारण मर गया था। ऑप्शन है हमारे पास, बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज हुमायूं। हुमायूं जो है सीढ़ियों से गिरने के कारण मर गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाई बाल गंगाधर तिलक, दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है हमारे पास, केसरी, जनसत्ता, द स्टेट्समैन, अमृता बाजार पत्रिका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज केसरी। हम चलते हैं क्वेश्चन 75 की ओर। विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद, कौन से राजा ने इलाहाबाद में कुंभ मेला का संगठन शुरू किया था। सो इलाहाबाद इट मीन्स आज का प्रयागराज। राइट आंसर है, ऑप्शन है दिया हुआ हमारा ए ऑप्शन, हर्षवर्धन, बी ध्रुव सेना सेकेंड,
नरसिम्हा वर्मन अकबर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज हर्षवर्धन. हर्षवर्धन हर्षवर्धन राजा ने इलाहाबाद में कुंभ मेला का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था. कुंभ मेला को अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में. व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ द होल कंट्री डज मेंटेन ऑक्यूपाई. कितने परसेंट जो है माउंटेन का एरिया पूरे देश में है. ऑप्शन है हमारे पास 27%, बी है 43%, सी है 30%, डी है 50%. राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज 30%. टोटल 100% में 30% जो है एरिया में माउंटेन मतलब पहाड़ियाँ प्रेजेंट हैं. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में. विच वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड बाय द विलेजर्स ऑफ बिश्नोई विलेज इन राजस्थान. दिए हुए ऑप्शन में कौन सा वाइल्ड लाइफ है जो राजस्थान के बिश्नोई गांव के लोगों के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया मतलब सुरक्षित किया गया. ऑप्शन है हमारे पास चिंकारा एलिफेंट टाइगर लायन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन चिंकारा. चिंकारा को बिश्नोई गांव के लोग जो है उसको प्रोटेक्ट किए क्योंकि वहाँ पे पोचिंग मतलब शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा था. शिकार मेनली उनके चमड़े के लिए उनकी हड्डियों के लिए और उनके मीट के लिए किया जाता है जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए. लीगली वे पे आप कर सकते हैं पूछ के लेकिन इलीगल वे पे नहीं. इलीगल वे में अत्यधिक मात्रा में होता है जिससे जो एनिमल होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सटिंक्ट मतलब बहुत ही कम हो जाता है और लुप्त होने की कगार में आ जाता है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78. द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर व्हेन अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया स्टर्म इज. वो एग्रीकल्चर का कौन सा सिस्टम है जब एक एक जो अनाज है बड़े एरिया में बोया जाता है. तो हमारे पास ऑप्शन है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एक ही टाइप का जो अनाज होता है बहुत ही बड़े एरिया में बोया जाता है. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में. विच इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी. किसको हम अरेबियन सी की क्वीन कहते हैं रानी कहते हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज कोचिन. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स. दिए हुए एजेंसी में कौन सा एजेंसी है जो अपने स्टील को पब्लिक सेक्टर प्लांट्स में मार्केट बेचती है मार्केटिंग करती है. ऑप्शन है मेरे पास हेल टाटा स्टील सेल MNCC. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज सेल. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में. विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा लोकेशन है जो ईस्ट वेस्ट मतलब पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर को कनेक्ट करता है. हम जानते हैं कि सबसे ईस्ट में कौन है अरुणाचल प्रदेश है और सबसे वेस्ट में कौन है गुजरात है. तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है. तो वो जो लोकेशन है वो गुजरात और ईस्ट की बात करते हैं तो अरुणाचल और गुजरात के ही प्लेस होने चाहिए या फिर सेवन सिस्टर और गुजरात के. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है दिया हुआ मुंबई कोलकाता मुंबई नागपुर नागपुर सिलीगुड़ी सिलचर एंड पोरबंदर. यहाँ पे पोरबंदर जो है गुजरात का है बाकी किसी में गुजरात का एरिया नहीं है. तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज सिलचर एंड पोरबंदर. सिलचर जो है ईस्ट साइड का है पोरबंदर जो है वेस्ट साइड का है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में. विच इज नॉट द सॉइल कंजर्वेशन मेथड. दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सॉइल कंजर्वेशन मतलब कि मृदा संरक्षण का मेथड नहीं है. ऑप्शन है हमारे पास कंटूर प्लानिंग, बी ऑप्शन है स्ट्रिप क्रॉपिंग, सी ऑप्शन है टेरेसिंग ऑफ स्लोप्स, डी है शेल्टर बेल्ट. तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रिप क्रॉपिंग टेरेसिंग ऑफ स्लोप शेल्टर बेल्ट ये सभी ऑप्शन जो हैं सॉइल को मृदा को सुरक्षित करने के लिए मेथड है जबकि कंटूर प्लानिंग जो है वो एरिया के स्लोप मतलब ऊंचाई को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं.
तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी ऑप्शन में। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप बाय स्ट्रिप हम प्लांटेशन करते हैं, मतलब एक स्ट्रिप में एक टाइप का क्रॉप होगा, दूसरे स्ट्रिप में दूसरे टाइप का होगा, तीसरे टाइप में तीसरे स्ट्रिप में तीसरे टाइप का, इसमें हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाता है। टेरेसिंग ऑफ स्लोप मतलब कि जो हमारा ऊंचाई वाला एरिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं, टेरेस टाइप का मतलब सीढ़ी नुमा जो है हम खेती करते हैं। इससे जो है सॉइल का, जब पानी का बहाव होता है तो मिट्टी का अपरदन रुक जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में भी यही होता है, स्ट्रिप बाय स्ट्रिप हम करते हैं तो मृदा का अपरदन नहीं होता है। सल्टा बेल्ट क्या होता है? सल्टा बेल्ट मतलब कि हमारा जहाँ क्रॉप लगता है वहाँ हम चारों साइड पेड़ लगा देते हैं। पेड़ लगाने के कारण ये होता है कि वो हवा के कारण, जहाँ बहुत ज़्यादा हवा होती है, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, तो उससे मृदा का अपरदन रुक जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर 83 हमसे पूछ रहा है, स्पीसीज फाउंड इन आइसोलेटेड प्लेसेस ओनली आर कॉल्ड, जो स्पीसीज मतलब जीव होते हैं जो आइसोलेटेड प्लेट मतलब कि कुछ ही, बहुत ही कुछ ही जगह पे पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी, दैट इज एंडमिक स्पीसीज। कुछ स्पीसीज जो बहुत कुछ ही प्लेस पाई जाती है, इसको हम एंडमिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि पोलर बियर हो गया, वो केवल पोलर में पाया जाता है, मतलब कि बहुत ठंडी जगहों पे पाया जाता है। वो यहाँ पे अगर हम चाहें कि वो इंडिया में आ जाए तो वो यहाँ पे नहीं सरवाइव कर सकता। उनकी वो पर्टिकुलर प्लेस के लिए अपने अंदर कुछ अलग सी क्वालिटी डेवलप करते हैं ताकि वो वहाँ पे रह सके, वो अन्य मतलब और दूसरे प्लेस में नहीं रह सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पर्पज दैट मॉडर्न डैम्स सर्व, कौन सा दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो हमारे आज के ज़माने के डैम मतलब कि बांध सर्व मतलब सेवा नहीं देते। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यस होता है डैम के थ्रू, मतलब कि जो पानी के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका यूज करते हैं, हाँ करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज मतलब इंडस्ट्री के यूज के लिए हम पानी का यूज करते हैं, हाँ करते हैं। इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई के लिए यूज करते हैं, हाँ करते हैं। इनलैंड नेविगेशन इट मीन्स मतलब कि पोर्ट डेवलप करके वहाँ पे शिप वगैरह आना जाना, तो वो हम नहीं करते। डैम जो होता है उतना भी बड़ा नहीं होता कि वहाँ पे हम शिप्स मतलब इनलैंड नेविगेशन कर सके। तो यहाँ पे जो मॉडर्न डैम में नहीं किया जाता वो है इनलैंड नेविगेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 से पूछ रहा है, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज कॉल्ड, जो सिल्क वर्म जो है जिस की पैदावार करते हैं ताकि हम उससे सिल्क फाइबर प्रोड्यूस कर सके, उत्पादन कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शन है इंटरकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर। इंटरकल्चर का मतलब होता है एक कल्चर का दूसरे कल्चर से मिलना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं इससे। सेरीकल्चर, यस राइट आंसर। सेरीकल्चर का मतलब ही होता है कि सिल्क वर्म को का उत्पादन करना ताकि उससे हम जब वो डेवलप हो जाए तो उससे हम सिल्क फाइबर निकाल सकें। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। थोड़ी सी हम हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फ्रूट्स के फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर जो फिश का जो हम प्रोडक्शन करते हैं लार्ज एरिया पे, तो उसको हम मछलियों के उत्पादन को पीसी कल्चर बोलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 86 हमसे बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन, दिए हुए ऑप्शन में कौन सा मिनरल है जो वाष्पीकरण के कारण बनता है? तो हमारे पास ऑप्शन है चौक, सिल्का, पेट्रोलियम, जिप्सम। इसमें हमारा सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज जिप्सम। जिप्सम जो है मिनरल्स, जिप्सम जो है वाष्पीकरण के कारण बनता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, सीमेंट को बनाने में कौन सा मिनरल यूज नहीं होता है? ऑप्शन हम देखते हैं, कोल, हाँ होता है, सिल्का, ये भी यूज होता है, एल्युमिनियम, ये भी यूज होता है, डी है हमारा कॉपर जो कि इसमें यूज नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इम्पोर्ट्स
आयरन ओर फ्रॉम इंडिया। दिए हुए ऑप्शन में कौन सी ऐसी कंट्री है जो हमारे इंडिया से आयरन ओर को इंपोर्ट करती है, मतलब कि अपने यहाँ पे मंगवाती है। तो ऑप्शन है हमारे पास USA, जापान, रशिया, चाइना। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ जापान। जापान जो है हमारे इंडिया से आयरन ओर खरीदती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवराइन पोर्ट। दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट मतलब इनलाइन पोर्ट, जहाँ पे हम पोर्ट डेवलप कर सकें। तो ऑप्शन है मेरे पास कोलकाता, मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कोलकाता। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। द प्लेस ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ राइस कल्टिवेशन इज। हमारे इंडिया का चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो हम जैसे ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड। हमारे इंडिया का दूसरा स्थान है। पहला किसका स्थान है, पहला चाइना का स्थान है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू एथनिक ग्रुप्स इन श्रीलंका। दिए हुए ऑप्शन में दो इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है श्रीलंका में है वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन है हमारा हिंदू मुस्लिम, सिन्हलीस एंड तमिल, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन एंड तमिल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सिन्हलीस एंड तमिल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन इन यूनियन लिस्ट इज। यूनियन केंद्र जो सूची है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 97 टोटल लिस्ट यूनियन लिस्ट के अंदर दिए हुए हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ। जो अपार्थिड का जो पॉलिसी था, सिद्धांत था, वो कौन से देश के, कौन सी सरकार के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन है हमारे पास USA, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के द्वारा अपार्थिड के सिद्धांत को अपनाया गया था। हम थोड़ा सा अपार्थिड समझ लेते हैं। अपार्थिड क्या होता है। अपार्थिड जो है तो रंग भेद की एक नीति थी, जिसके अंतर्गत वाइट एंड नॉन वाइट को अलग अलग अंतर किया जाता था। वाइट को स्पेशल फैसिलिटी मिलती थी और जो नॉन वाइट थे वो जहाँ पे वाइट रहते ना तो वहाँ जा सकते थे, ना उनके साथ मिल सकते थे, ना उनके साथ उनके यहाँ रह सकते थे, ना उनको खाने का अच्छा फैसिलिटी मिलता था। वो बहुत ही गरीबी में रहते थे, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था। उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना उनके लिए कोई रोज़गार था। और इस अपार्थिड की नीति को ख़त्म इसलिए वहाँ के लोगों ने दृढ़ निश्चय किया कि हम इस नीति को ख़त्म करके रहेंगे। इसमें सबसे आगे आए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने अपार्थिड की नीति को ख़त्म करके वहाँ पे इक्वलिटी लेके आए। और इसलिए महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबॉलिश्ड इन इंडिया बाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। छुआछूत जो है वो हटा दी गई है हमारे इंडिया में। वो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 17। जो छुआछूत को जो है हमारे इंडिया से हटाया गया है वो संविधान के 17वें अनुच्छेद पे लिखा गया है। ये जो है हमारा एक ये आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा हम इसके और ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 32 तक आता है। आर्टिकल 14 जो है वो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी इन लॉ। और आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को का भेदभाव धर्म, जाति, कास्ट के आधार पर नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन
इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एनी करियर, किसी भी मतलब अवसर में या फिर करियर में सभी को इक्वल अवसर मिलेगा, बराबर का अवसर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। क्वेश्चन नंबर 95 से पूछ रहा है, डेमोक्रेसी वॉज री इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन, डेमोक्रेसी मतलब संविधान जो है, सॉरी लोकतंत्र जो है वो नेपाल में कब दोबारा इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन दिया है हमारे पास 2005, 2006, 2007, 2008। राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 2006। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में, एवरेज इनकम एज, औसत इनकम जो है हम इसको क्या होता है, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का औसत क्या होता है, टोटल सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर, मतलब कि जो नंबर दिए उनका योग और वो कितने नंबर हैं वो। तो हम अभी इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम क्या हो जाएगा इसका, होगा राइट ऑप्शन ए टोटल नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जितनी हमारी टोटल इनकम आएगी उसको हम इंडिया कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में, टर्शियरी सेक्टर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ, जो टर्शियरी सेक्टर है वो बहुत इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, क्यों। हमारे पास रीजन है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, हाँ, राइज इन लेवल ऑफ इनकम, इनकम में बढ़ोतरी होना, हाँ, बोथ ए एंड बी, हाँ राइट आंसर है हमारा सी बोथ ए एंड बी, बिकॉज जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, वैसे ही टर्शियरी सेक्टर उससे बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, अब उसको हम बेचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और ट्रांसपोर्ट आता है हमारे टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। उसी प्रकार से इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर होकर के उसको हम सेल करने के लिए ले जाएंगे, और सेल के लिए हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएंगे तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा, और हम उसको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसकी टेलीफोन इंफॉर्मेशन वगैरह का यूज करेंगे, वो भी टर्शियरी में आता है। तो ये दोनों रीजन जो है दिए हुए रीजन वो इम्पोर्टेंट, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिए हुए ऑप्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग लोन, लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट कंट्रोल, डीलिंग विद वर्ल्ड बैंक, नन ऑफ दिस। हम देख रहे हैं सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो छोटे बैंक का काम होता है, ये रिजर्व बैंक का काम नहीं होता। रिजर्व बैंक का काम होता है मेन जो नोट होते हैं उनको पब्लिश करना, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आना, ये मेन काम रहता है, ये सब काम नहीं होता है जो दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 99 है MNC इज अ कंपनी, MNC कैसी कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है मल्टी नेशनल कंपनी, ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्री में इस्टेब्लिश हो। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन पढ़ते हैं, दैट ओज और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, जो जिसकी स्थापना और स्वामित्व जो है एक से ज़्यादा देश में हो, यस दिस इज़ वेरी सुटेबल आंसर। बी है दैट ओज और कंट्रोल प्रोडक्शन इन वन नेशन, जिसका स्वामित्व और कंट्रोल जो है नियंत्रण जो केवल एक देश में, नहीं ऐसा नहीं है, दैट ओज और कंट्रोल प्रोडक्शन आउटसाइड द नेशन, केवल देश के बाहर, नहीं ये भी गलत है, ऑल ऑफ दिस नहीं, हमारा ओनली वन ऑप्शन सही है, क्योंकि MNC मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उसका स्वामित्व और नियंत्रण एक से ज़्यादा देशों में होता है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट फॉल अंडर कंज्यूमर राइट, दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म, मतलब जागरूक होने का अधिकार, हाँ बिल्कुल है, राइट टू चूज, हमको चुनने का अधिकार है, हाँ है, राइट टू सीक गवर्नमेंट हेल्प, सरकार के मदद के लिए मदद लेने का अधिकार नहीं, ये कंज्यूमर राइट में नहीं होता, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिप्रेजेंट इन कंज्यूमर कोर्ट, मतलब कि उपभोक्ता अदालत में जा करके हम अपने अधिकार ले सकते हैं,
जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके उसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं और अपना मुआवजा ले सकते हैं। तो हमसे पूछा है कौन सा ऐसा अधिकार है जो कंज्यूमर राइट में नहीं आता है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ राइट टू सीक गवर्नमेंट हेल्प, सरकार की जो मदद है उसको लेने का अधिकार। तो यहाँ पे हमारी हमारे टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप इंजॉय करिए, बार बार वीडियो देखिए ताकि बार बार आपका रिवीजन होगा। जितना आप वीडियो एक बार देखते हैं एक बार में कुछ भी नहीं होगा, एक बार देखने के बाद फिर 3 दिन में उसको देखिए, चेक करिए कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, फिर देखिए, मतलब कि उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोशिश ये करिए कि पढ़ाई में आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आपकी कंटिन्यूटी के लिए मैं रोज़ डेली इसीलिए टॉप 40 क्वेश्चन लेके आ रही हूँ ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों की भी हेल्प करिए, इसको जितना हो सके उतने लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। बिकॉज आप अगर आप आज किसी की हेल्प करेंगे तो वो लौट के आपके पास हेल्प आएगा, आपकी भी कोई हेल्प करेगा। तो कोशिश करिए जब आपको मिल रहा है एजुकेशन लॉकडाउन में कितनी दिक्कत, कितने लोग जो है पढ़ नहीं पा रहे, तो मोबाइल तो किसी तरह अफोर्ड कर ही लेते हैं, इसलिए आप कोशिश करिएगा इन वीडियोस को जितना हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड करिए, उतना ज़्यादा शेयर करिए। प्लस आप जो है तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा, और आपको जो भी डाउट हो वो ज़रूर डिस्कस करिएगा। और हाँ, आपकी शिकायत थी कि आप हिंदी में पढ़ाइए, लिखा भले इंग्लिश से है बट मैं उसको हिंदी में कोशिश कर रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, और आज के डेट पे आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं तो इंग्लिश में ही मिलेंगी। तो कोशिश ये करिए इंग्लिश के थ्रू आप हिंदी कोप अप करिए ताकि आपकी इंग्लिश भी साथ ही साथ इम्प्रूव होती रहे। और आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, और कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप कोशिश करिए कि अच्छा खाना खाइए, घर में रहिए, बी हेल्दी एंड बी सेफ। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय।